नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल, कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ अर्बेन योगी नाम के इस वीडियो चैनल पर बहुत सारे ऐसे विषयों पर बात करता हूँ जिनके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन मैं अपनी जो बात है फैक्ट्स और साइंटिफिक बेसिस पे बताता हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैं आपसे कुछ बात करूँगा सीजेरियन बर्ड्स के। पहले वर्ड सीजेरियन के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसे सी सेक्शन ऑपरेशन भी कहा जाता है। लेडीज़ को बर्थ में अगर दिक्कत आ रही हो, चाइल्ड डिलीवरी में दिक्कत आ रही हो, तो डॉक्टर्स को एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। कहा जाता है कि जूलियस सीजर का नाम सीजर जो रखा गया था इस करके कि उनका भी सीजेरियन बर्थ हुआ था, तो इसका मतलब 100 BC पहले से ये चला आ रहा है जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। वैसे उससे भी पहले का हो सकता है, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं होते थे, सिर्फ हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। शास्त्रों में कई जगह कई चीज़ों का मेंशन होता है, लेकिन वो कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। दो तीन चीज़ें आपसे क्लियरली बताना चाहता हूँ। आजकल एस्ट्रोलॉजी को भी एज ए टूल बना के लोग मिसयूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में विश्वास रखते हैं, मिसयूज होते हैं, करते हैं चीज़ों को, लेकिन वो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, खास करके फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए, कि भाई इनका बहुत डाइसी केस है, जान को खतरा हो सकता है बच्चे की या माँ की, तो हम सेफ साइड लेंगे, हम आपको ये रिकमेंड करेंगे। अब क्योंकि जनरली बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर सेकंड ओपिनियन लेने जाएंगे रेट का फ़र्क हो सकता है, वो भी यही रिकमेंड कर देंगे। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो कहेंगे कि हम लास्ट मिनट तक वॉच करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, प्रेफर हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। अब इसमें डॉक्टर ने अपना पार्ट प्ले कर दिया, रेट्स बता दिए, टाइम बता दिया, ड्रा भी दिया, एश्योरेंस भी दे दी कि हमारे यहाँ आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद एंट्री होती है फ्रेंडली नर्स की, जो आपके आगे पीछे घूम रही है, आपके पेपर्स वगैरह करा रही है तैयार, चेकअप वगैरह में आपको हेल्प कर रही है, या रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, वो पूछेगी कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो आप कहेंगे उन्होंने तो सीजेरियन का कहा है। कोई बात नहीं, यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा है और बहुत हाई सक्सेस रेट है, 100% सक्सेस है, आप बेफिक्र होकर कराइए। और हाँ, आपने कोई डेट वगैरह फाइनलाइज की है कि कब कराना है? वो तो करा लेंगे। कहते नहीं, डेट और मुहूर्त वगैरह या टाइमिंग कुछ देखा है आपने? तो नेचुरली लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है, हमें तो कोई किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ होता है। कहते नहीं, ऐसा है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लेना टाइमिंग और डेट की, पहले किसी पंडित से पूछ लो। ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पहले भी आए हैं, वो करवाते हैं, वो पंडित जी से पूछ लेते हैं अच्छा मुहूर्त क्या है, और वो मुहूर्त के बेसिस पे वो बर्थ करवाते हैं। ऐसा मानते हैं लोग कि अच्छे मुहूर्त में बच्चा पैदा हो तो बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है और बहुत धनवान बनता है। अब यहाँ से साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो जाता है। पहले डॉक्टर का वर्शन आ गया, ऊपर से नर्स का आ गया, सेकंड ओपिनियन लिया, वहाँ पे भी तकरीबन सिमिलर सिचुएशन है,
तो आप किसी एक हॉस्पिटल के जंगल में फंस जाते हैं। रियलिटी ये होती है कि सीजेरियन की शायद ज़रूरत ही नहीं थी। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये बिजनेस यही नहीं ख़त्म हो गया, ये हॉस्पिटल और इस दायरे में इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कई और भी चैनल्स हैं, जैसे मैगजीन्स वगैरह में कभी कभी आर्टिकल आ जाते हैं कि अच्छे मुहूर्त में बच्चे का पैदा होना क्यों अच्छा है, और वो शास्त्रों का हवाला देते हैं बिना कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के कि कौन से शास्त्र में कहाँ पे क्या इंसिडेंट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं वो। है ऐसे इंसिडेंट्स, महाभारत के शास्त्र में भी हैं, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया क्योंकि वो सीजेरियन बर्थ नहीं था वहाँ पे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट करने की बात थी। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ही तकदीर बदल जाती है अच्छे मुहूर्त में? अच्छे मुहूर्त में तो शादी का डाइवोर्स भी हो जाता है, वो भी तो अच्छा मुहूर्त निकलवाया था। और फिर अगर अच्छे मुहूर्त की ही बात है, जिस घर में लेडी जो है बहुत तनाव के एटमॉस्फेयर में रही है, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जहाँ डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि लेडी को खुश रखो, होने वाली माँ को खुश रखो, अच्छा खाना दो, अच्छा माहौल रखो जिससे कि कोई टेंशन ना हो, बच्चा हेल्दी पैदा हो, इंटेलिजेंट पैदा हो, उसके विपरीत सर्कमस्टांसेस हैं। लास्ट मिनट पे आप क्या समझते हैं अच्छा मुहूर्त देख के वो सब वाइप ऑफ हो जाएगा? कहाँ से पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था? उसने तो जो गर्भ में रहकर पूरा लड़ाई की विद्या सीखी थी, चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। और साइंस के मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड पे, अभी आप देखेंगे कि साइंटिस्ट खुद मान रहे हैं कि फीटल जो है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। फीटस सुन सकता है, इंटेलिजेंट होता है तो उसको सब कुछ सुनाई देता है, समझ आता है और वो पूरे माहौल को एब्जॉर्ब करता है। बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ तनावपूर्ण होता है, जो बच्चे हैं वो हाइपरटेंसिव पैदा होते हैं, छोटी छोटी बात पे जाके दीवार पे सर मारता हूँ, बाद में मेडिकल प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये दूसरी स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उस मैगजीन की है जिसके अंदर ये आर्टिकल छपा था कि समय निर्धारण करना क्यों आवश्यक है। जर्नल एक आर्टिकल लिख दिया इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि मुहूर्त से बच्चे पैदा करें तो अच्छा है। अब ये सारी थ्योरी का खंडन कहाँ पे होना शुरू होता है? अभी हाल ही में 14 जून को हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने और उससे पहले मई में इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज़ कैरी की थी कि ये COVID-19 वायरस के चलते हुए नंबर ऑफ डिलीवरीज जो है वो कम हो गया है सीजेरियन से और नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा हुई हैं। लोगों ने प्रेफर किया कि सीजेरियन नहीं कराएंगे क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। 20 दिनों के टाइम में 90,000 में से सिर्फ 1,000 सीजेरियन उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और 65% मतलब दो तिहाई
जो टोटल बर्थ्स हैं वो जो सिजेरियन से होते थे वो कम हो गए। सिजेरियन के टोटल बर्थ जो हैं वो 1/3 रह गए, 2/3 जो है नॉर्मल डिलीवरीज में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। तो ये कैसे हो गया? अभी तो हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स कह रहे हैं बच्चे का जो है भाग्य अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा, खतरा है जान को, इस करके सीजेरियन कराइए और वो नॉर्मल डिलीवरीज हो गई। इसका मतलब गोलमाल था। खाली इतना ही नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 31 जुलाई को एक स्टडी कैरी की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है पेरेंट्स की तरफ से इंडिया में सीजेरियन के लिए। ये अननेसेसरी सीजेरियंस हैं। 28.5 लाख अननेसेसरी सीजेरियन बर्थ्स इंडिया में होते हैं विच आर और विच कुड हैव बीन नॉर्मल डिलीवरीज, बिल्कुल सही नॉर्मल डिलीवरीज के केसेस से जिनको कन्वर्ट कर दिया गया सी सेक्शन। इतना बड़ा नंबर है, ये एस्टिमेटेड फिगर है, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो। सो जरूरी है कि इन लोगों की चुंगल में ना फंसे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ज्यादा होता है ये काम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको फुर्सत नहीं है, ना अलाउड है। बड़े हॉस्पिटल्स में भी शायद नहीं होता होगा, कह नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल सारे सेटअप्स हैं, इनका अपना काम है। हाँ, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, फैमिली नोन नर्सिंग होम्स हैं, वहाँ पे ऐसे केसेस कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। खामखा का एस्ट्रोलॉजी को यूज किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है इस चक्कर में। शरीफ आदमी को नहीं मालूम है कि मुहूर्त का कोई लिंक नहीं है। मुहूर्त बहुत बार निकलते हैं अच्छे, लेकिन हर समय तो नहीं हम डेट्स चेंज कर सकते। बहुत सारी चीज़ों के मुहूर्त होते हैं। अब क्या मुहूर्त से ही अगर सारे काम होने लगे तो कल को क्रिमिनल्स आने शुरू हो जाएंगे कि पंडित जी जरा देखना मुहूर्त कौन सा अच्छा है, मैंने मर्डर करने जाना है जिससे कि मैं बाद में पकड़ा ना जाऊँ, या डकैती करनी है तो वो भी मुहूर्त निकलो। लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, ये तो फिल्मों में दिखाया है, और वहीं पे रेड हो जाती है, पुलिस आ जाती है, क्योंकि उनको पहले से खबर होती है कि ये कोई बड़ा कांड करने से पहले मंदिर जाएगा, माता के या काली के मंदिर जाएगा। एक प्रथा सी चली आ रही है उन लोगों की उसके हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए सारी शक्तियां आपका साथ देंगी, या मुहूर्त या ग्रह आपका साथ देंगे, ऐसा नहीं है। बाकी देखते रहिए आगे आने वाले चैनल्स भी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी ज़रूर करिए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अभी और बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने आपको बात करनी है, त्योहारों के बारे में बात करनी है कि उसमें कैसे मिलावट की जाती है एस्ट्रोलॉजी के साथ, कैसे मिस इंटरप्रिटेशंस होते हैं त्योहारों के, और एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या हो रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। शादी के गुण मिलाने के बारे में भी मैं आपको बात करूंगा, उसका भी भेद बताऊंगा। नमस्कार।